हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप देख रहे हैं त्यागी व्लॉग्स, और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपनी BS6 बुलेट 350 ले रखी है। ये BS6 मॉडल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कैटलेटिक कन्वर्टर और EFI। इसमें मेरे को मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, तो आज इस वीडियो में आपको सारी प्रॉब्लम बताने वाला हूँ। जो चलेगा इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो भाई, जो भी मेरे भाई या फिर बहने BS6 बुलेट स्टैंडर्ड 350 लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में अपनी बाइक की, एक्चुअली BS6 स्टैंडर्ड की, मैं बताने वाला हूँ जितनी भी कमियाँ, कॉन्स या फिर डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। तो चलिए गाइस, पहली कमी की बात कर लेते हैं। तो गाइस, पहली कमी जो है वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। वैसे तो पेपर्स पे और बोलने के लिए बहुत ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन आप इसका ब्रेक देख रहे हैं कैसा है। इसका ब्रेक है ये नीचे, जैसे आप टर्न पे जाएंगे और अगर ब्रेक मारते हो आप मुड़ेंगे बाइक को, या फिर अगर आप स्पीड ब्रेकर पे जा रहे हैं और ब्रेक मारते स्पीड ब्रेकर से आपकी बाइक जाएगी ऊपर से, तो ये नीचे टच हो जाता है। और मेरी बाइक बहुत बार टच हो चुकी है गाइस, और मैं आपको स्क्रैच दिखाता हूँ। आपको स्क्रैच सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस के लिए हो गया। और अगर आपने तीन बंदे बैठा लिए, वैसे तीन बंदे बैठाने तो नहीं है गाइस, क्योंकि बहुत चलान है उस पर, इलीगल है, लेकिन इमरजेंसी में अगर कभी आप बिठाएंगे तीन बंदे, तो बिल्कुल इसी ग्राउंड क्लियरेंस ऐसी दब जाएगी, शॉकर दब जाएंगे इसके, इतनी खत्म हो जाएगी बिल्कुल ग्राउंड क्लियरेंस, छोटे छोटे ब्रेकरों पर भी लग जाएगी। अब जो मैंने अपनी बाइक में फेस करी है वो है इसका फ्यूल इंडिकेटर। वैसे तो इसके अंदर फ्यूल इंडिकेटर नहीं आता है कि कितना तेल बचा है या फिर कितने पॉइंट्स हैं आपके तेल के, लेकिन इसके अंदर बस लो फ्यूल इंडिकेटर आता है। जैसे ही लाइट ब्लिंक करती है या फिर ऑन हो जाती है इसके अंदर, तो मतलब समझ लीजिए गाइस, आपके पेट्रोल टैंक में पेट्रोल कम है। लेकिन ये भी ठीक था अगर इतना फीचर भी सही चल रहा होता है इस बाइक में, लेकिन गाइस क्या है, इसके आप टैंक देखेंगे ना, तो राइट साइड की तरफ इसका नीचे की तरफ है फ्यूल इंडिकेटर, जो कि इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है सेंसर। और अगर मेरी बाइक लेफ्ट साइड झुकी हुई है तो ये इंडिकेटर दिखा रहा है। अब जैसे मैं राइट साइड झुका दूंगा तो ये इंडिकेटर अपने बंद हो जाएगा। ये देखिए, राइट साइड झुकाते ही ये बंद हो गया। अब मैं दोबारा लेफ्ट साइड से करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा अपने आप। देखिए गाइस, आपके सामने की बात है, देख लीजिए गाइस। और इसमें कितना भी पेट्रोल डलवा दो गाइस, ये कभी ना कभी जल ही जाएगा। तो मतलब ये फीचर बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। इसमें तो रॉयल एनफील्ड को ध्यान देना चाहिए था, इतनी महंगी बाइक हम ले रहे हैं, 1.5 लाख से ऊपर की बाइक है ये ऑन रोड, और इसमें ये फ्यूल इंडिकेटर तक नहीं। रस्टिंग तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कॉमन प्रॉब्लम है बुलेट के अंदर, सभी बुलेट्स में आप फेस करते हैं। एक मॉइस्चर, जैसे कि आपको पता है गाइस, मानसून सीजन आ गया है, और अगर आप धोते भी हैं, अगर मानसून सीजन नहीं आ रहा है, धोके छोड़ देते हैं अपनी बाइक को, ढंग से इसको पूछते नहीं है सूखे कपड़े से, मॉइस्चर नहीं हटाते हैं बाइक से, तो गाइस ये रस्ट कर जाएगी बहुत ज़्यादा। इसके जितने भी आप सीट्स के पास नट देख रहे हैं, मैं इन नट्स की बात कर रहा हूँ, ये नट्स, और ये देखिए ये पार्ट रस्ट हो रहा है, कैसे ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो गया, ये रस्ट है गाइस। और जितने भी नट्स हैं ये सारे रस्ट कर जाते हैं, सारा मेटल और क्रोम रस्ट हो जाता है बाइक का, साइलेंसर तक ही सब रस्ट हो जाता है। और आप चेन पे देख रहे हैं अभी तक रस्ट है, कितनी बार मैं इसे साफ कर चुका हूँ, करवा चुका हूँ, ऑयलिंग करवा चुका हूँ, तब भी कोई इफेक्ट नहीं है गाइस, बहुत रस्ट मारती है बाइक। और अगर आपको रस्ट हटाने सीखना है घर पे कैसे हटाते, तो 10 रुपीज़ में बहुत ही सिंपल तरीका है, एक निकल पाउडर आता है उससे आप रस्ट हटा सकते हैं। उसकी मैंने फुल वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ईजी प्रोसेस है, सब कोई भी कर सकता है। तो गाइस, जो मेरी चेन रस्ट हुई है मैंने अपने सर्विस सेंटर में जाकर भी दिखाया था, तो कोई रिस्पांस नहीं आया गाइस इसका, बहुत ही बैड सर्विस दी है इन्होंने मेरे को, कोई रिस्पांस नहीं किया कंपनी वालों ने ना सर्विस सेंटर वालों ने। इन्होंने बोला कि सर्विस सेंटर पे सही कर देंगे आपकी चेन और उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, इस तक का इन्होंने मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है गाइस रस्ट का, आपको खुद ही देख कर करना पड़ेगा। गाइस, चौथा पॉइंट जो मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड करूंगा वो है इसका RPM सेटिंग।
आप BS4 तक बाइकों में देखेंगे कि BS3 BS4 बाइकों में यहाँ पे ये नहीं आता था, ये है फ्यूल इंजेक्टर। ये डब्बा आप देख रहे हैं EFI जैसे लिखा हुआ, EFI 350। BS4 BS3 में ट्विन स्पार्क लिखा हुआ था, लेकिन अब गाइस ये हो गई, ये गाड़ी हो गई है फ्यूल इंजेक्टर, और इसके अंदर अब ऑटोमेटिकली फ्यूल जाता है टंकी से अपने आप, और इसमें कार्बोरेटर नहीं है। तो उस साइड अगर आप देखेंगे तो तेल ऑन ऑफ करने का या फिर रिजर्व में डालने का कोई स्विच नहीं है, और जिससे कि RPM हम स्लो नहीं कर सकते। तो गाइज अब BS6 गाड़ी में अपनी RPM स्लो नहीं करवा सकते, जो ठुक ठुक वाली आवाज़ आती थी पुरानी बुलेटों में, जिस जो मतलब बेसिक आवाज़ अच्छी वाली आवाज़ जो हम बनवाना चाहते हैं साइलेंसर लगवाते हैं वो बनती है, अब वो नहीं बन सकती इस पर। इसकी RPM 1100 दी हुई है गाइज पहले से ही, तो पहले गियर में बिना रेस दिए क्लच छोड़ते ही अपना बाइक चल जाती है, 20 की स्पीड तक अटेंड कर लेती है, और RPM स्लो नहीं सकते गाइज। पहला पॉइंट है गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसके अंदर आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगवा रखा है, शॉर्ट बोटल साइलेंसर लगवा रखा है मैंने, तो इसके अंदर डबल स्टैंड आप देख रहे हैं। रात को मैं डबल स्टैंड पे खड़ी करके जाता हूँ भाई, और जैसे ही डबल स्टैंड पे से मैं उतारता हूँ तो ये बहुत तेज ठक की आवाज़ करती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे गाइज आपने आवाज़ सुनी ली कितनी तेज़ साइलेंसर पर लगता है, और कोई इलाज नहीं है इसका, आप साइलेंसर कोई सा भी लगा लें, बड़ा पंजाब छोटा पंजाब शॉर्ट बॉटल लॉन्ग बॉटल कोई सा भी हो, दुनिया भर के जितने साइलेंसर आते हैं सब में आवाज़ करेगा, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। की सोची थी तब काफ़ी लोगों ने बताया था जिनके पास बुलेट था, मैंने कंसल्ट करा था कि वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशन तक तो सही था गाइज, लेकिन इसके अंदर एक बहुत नोटिसेबल चीज़ वो आ गई है सिर्फ BS6 गाड़ी में, जिसका टायर आप देखेंगे ना स्टार्ट करते ही वो इतना हिलता है कि बहुत ज़्यादा नोटिस होता है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, आप देखना कैसे हिलता है। तो भाई देख लेना कैसे आएगा टायर कहाँ पर आया इसका, देखिए गाइस कैसे इसका टायर कांप रहा है, और इसके पीछे की नंबर प्लेट भी, ये आइडल बाइक वो है सर गाइस, आइडल बाइक में इतना इसका टायर वाइब्रेट कर रहा है। तो गाइस अगर आप BS6 बाइक लेने की सोच रहे हैं तो 1.5 लाख से ऊपर ऊपर की बाइक तो 100% पड़ने वाली है आपको ऑन रोड, बल्कि एक्स शोरूम में 1.5 लाख से ऊपर की पड़ जाएगी आपको। और गाइस इसका पीछे का टायर देख लीजिए आप, स्प्लेंडर का टायर भी नहीं आता इतना, तो इतना पतला टायर है इसका स्प्लेंडर जैसा बिल्कुल, आप पीछे देखें कितना वियर्ड लगता है देखने में, इतनी भारी बाइक बुलेट पूरी लोहे की 200 किलो की बाइक, और इसका टायर देख लीजिए कितना पतला है, पीछे का साइलेंसर ज़्यादा मोटा लग रहा है टायर से, इतना पतला टायर है इसका, और ये हाई स्पीड भी अचीव नहीं कर पाती है गाइस, और टर्न से मुझे लगता है कि डिसबैलेंस होकर गिर ना जाए, इसलिए इसको ज़्यादा टर्न भी नहीं कर सकते अच्छे से, लेटा भी नहीं सकते। तो गाइस जैसे कि मेरा लास्ट पॉइंट जो मैं फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम, लास्ट पॉइंट इस वीडियो का वो है इसकी लाइट्स, चाहे इसका इंडिकेटर हो, बैक लाइट हो, पार्किंग लाइट हो, पायलट लाइट हो, कोई भी लाइट हो गाइज, इसकी मेन लाइट जो इसकी हाई बीम लो बीम वाली है वो तक हैलोजन है गाइज, अब तक इसमें LED नहीं आई, 1.5 लाख से ऊपर की बाइक ले लो आप इसमें LED नहीं है, बताओ अब तक LED नहीं दी मैंने अभी फिलहाल, और ये इतनी गंदी क्वालिटी है पायलट लाइट्स की तो मैं क्या बताऊँ आपको, इन आँख वाले लाइट को पायलट लाइट्स कहते हैं गाइस, इन पायलट लाइट्स की इतनी गंदी क्वालिटी है कि ये लेने के कुछ टाइम बाद ही ख़राब हो गई थी मेरी, पानी लगने से पता नहीं किस वजह से हुई थी, पानी तो खैर नहीं जा सकता लेकिन ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने अभी घर पे कुछ टाइम पहले ही चेंज करी है, एक वीडियो पड़ी है गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वही अपनी लाइट चेंज करी है, और अपनी मैंने पार्किंग लाइट भी LED लगाई है, तो उसका प्रोसेस भी आपको वीडियो मिल जाएगा, और बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी लाइट है, ये LED लाइट है, पार्किंग लाइट कहते हैं इसको, ये चाबी ऑन करनी पड़ जाएगी, और बाकी मैं आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ अब कि पायलट लाइट्स कैसे लग रही है इसको। ये इसकी LED पार्किंग लाइट्स हैं, पायलट लाइट्स हैं गाइस, ये खुद इंस्टॉल करी है मैंने, आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, 50 रुपये का सेट आ गया था मेरा दोनों ब्लू लाइट्स का, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं रेड ग्रीन व्हाइट कोई से भी लगा सकते हैं आप, और बाकी गाइस ये हेलोजन जब तक थी तब तक तो इतनी हीट होती थी, अगर आप चलाओगे बाइक आप हाई हेडलाइट पर हाथ लगा दोगे तो ही आपको पता चल जाएगा इतनी हीट होती है, इतनी हीट होती है,
और ना इसके अंदर लाइट का ऑन ऑफ स्विच दे रखा था, वो भी मैंने लगवाया है, 100 रुपये का लगवाया था मैंने, मिंडा कंपनी का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये लाइट का ऑन ऑफ का मेन लाइट का, वरना तो अब ये सिक्स गाड़ी में आप बाइक ऑन करते के साथ ही इसकी ये लो बीम वाली लाइट जल जाती थी और वो ऑफ नहीं होती थी, और इससे बैटरी भी इतनी पीता था, ये बाइक इतनी पीती थी इसकी बैटरी कि कभी कभी तो हॉर्न नहीं चलता था मेरा, रास्ते में ही हॉर्न कभी फुस्सा हो जाता था बिल्कुल, और हॉर्न नहीं चलता था बिल्कुल भी। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, ट्रैफिक में आपको हॉर्न की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज लगा मेरे को, इसलिए मेरे को खुद आफ्टर मार्केट लगाना पड़ा ये ऑन ऑफ स्विच लाइट का। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और काफ़ी सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं।